कांकेर जिले के पंखाजू शराब दुकान में जहां सालों से मिलावट करने के मामले सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो वही शराब दुकान पर छत्तीसगढ़ सरकार का नियंत्रण है। बावजूद उसके लगातार पंखाजू शराब संचालक सरकार के नाक के नीचे से बेखौफ होकर धड़ल्ले से शराब में जहरीली तंबाकू मिलावट करते आ रहे हैं और बोतल में इली भी पाई जा रही है। जब भाजपा युवा मोर्चा ने इसका विरोध किया तो शराब बोतल के बदले संचालक द्वारा दूसरा एक और बोतल दे दिया गया। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष शंकर सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस प्रकार के शराब पीकर शराब प्रेमियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शराब दुकान को ताला लगा दे और संचालक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी। शराब दुकान में मारपीट से अधिक दाम पर शराब बेचने का भी खरीदारों ने आरोप लगाया है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल युवाओं को तो बर्बाद कर ही रहा था, मगर अभी पखांजू दुकान में जिस तरह से मिलावट क्या नजर आ रही है, बोतल में कचड़ा, तंबाकू के टुकड़े और कई प्रकार के जो मिलावटे सामान इस बोतल में दिखा जा रहा है, इससे आकलन लगा जाता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया युवाओं को मारने की एक जो योजना बना रखी है। मिलावटी दारू पिलाकर यहाँ के युवाओं को बर्बाद के साथ साथ मारने का भी अभी लोग एक योजना बनाया है, जिसका विरोध पखांजू की युवा मोर्चा के सभी सदस्य करती है और आने वाले दिनों में यहाँ बृहद रूप से एक आंदोलन की जाएगी, जिससे कि यहाँ के शराब दुकान को बंद करने की मांग करेगी। और निश्चित तौर पर ये कार्य जो है अभी इनके जो आबकारी अधिकारी है उनसे संपर्क किया गया है, उन्होंने एक दिन का समय की मांग किया है कि एक दिन के अंदर हम जो है रिपोर्ट आपके समक्ष लाएंगे। अगर रिपोर्ट किसी प्रकार के मिलावट और इस प्रकार के जहरीले चीजों का अगर इसमें मिलावट आती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी जो सदस्य